हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल विद द ब्यूटीफुल एसेंस ऑफ माय स्मॉल व्हाइट फ्लावर। हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीबॉडी हैज गुड फिजिक एंड हेल्थ। सो टुडे इन माय व्लॉग यू आर गोइंग टू सी फ्यू हेल्दी हैबिट्स ऑफ डेली बेस लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट दिस। So I am very happy to get these 6 lemons within 5 rupees, means per pieces, 5 rupees karke tha from the local shop. So I am so happy today. और अभी देखिए, अभी हम मतलब मेरा अर्ली मॉर्निंग वाला जो रिचुअल होता है, क्योंकि पानी भरना नए नए हर एक दिन नया नया तरीके से पानी भरना ये भी एक रिचुअल में आता है और एस्थेटिक लाइफ का ये भी एक मतलब एग्जांपल्स होता ही है। तो नाउ आई एम पुटिंग द वाटर इनसाइड द बॉटल एवरी डे। पानी बदल के भरना चाहिए और इसके साथ साथ अभी हम लेमन से जो पानी हम अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, वही हम लेने वाले हैं। तो अभी मेरा पानी गर्म था क्योंकि आई डोंट हैव एनी आरओ, सो आई यूज़ दैट बॉइलिंग वाटर अंडर 8 मिनट विद इन द अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इधर देखिए, आफ्टर टेकिंग माय ड्रिंक हम एकदम से झटापट काम पे लग गए। सो आई नीड टू क्लीन माय यूटेंसिल्स क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आज मुझे करना पड़ा। अदर देन दैट हम पहले दिन मतलब लास्ट नाइट कर ही लेते हैं, लेकिन कई कई दिन ऐसा रहता है कि लास्ट नाइट बहुत ही बिजी हो जाता है, तो इसलिए नेक्स्ट डे मुझे करना पड़ता है। दैट इज़ ओके फॉर मी, बट इट्स लिटिल बिट ऑफ हैसल। सो अभी देखिए, मेरा पेड़ पे पानी देना बाकी था तो वही हम पेड़ पे पानी दे रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द गुड हैबिट नंबर वन। तो पेड़ पे पानी देना गर्मी के सीज़न में, अभी तो स्प्रिंग सीजन धीरे धीरे जा ही रहे हैं, अभी समर सीजन इन हो रहा है, तो दिन में 2 टाइम्स कोशिश कीजिएगा कि वाटरिंग द प्लांट, क्योंकि जितना भी वेदर में जो भी ड्राइनेस हो रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, इतना ड्राइनेस बढ़ चुका है। कलकत्ता जैसे मतलब सिटी में एकदम दिल्ली जैसे वेदर हो रहा है धीरे धीरे, तो इस वजह से मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में मतलब 2 टाइम्स पानी देना ही चाहिए। तो अभी हम पानी इसमें दे रहे थे, तो अभी दूसरे साइड से पानी दे देंगे। मेरा ये नॉर्थ साइड वाला बालकनी है तो इसमें धूप ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन वेदर का ड्राइनेस के वजह से सूख जाता है। तो इधर देखिए, मेरा एलोवेरा प्लांट है और एक जो बुशी प्लांट बोला जाता है वो है, तो पानी ठीक से नहीं देने के वजह से थोड़ा सा सूख गया, तो वही हम थोड़ा कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको ठीक करने के लिए। एलोवेरा प्लांट तो दैट इज़ ओके, बट ये भी देखिए गर्मी में कितना मतलब इसका जो स्टेम है वो चौरा चौरा होता था, लेकिन अभी। और इधर देखिए, मेरे जीजी प्लांट में थोड़ा बहुत पत्ते उगने लग गए, तो 2 टाइम्स पानी देने से ही मतलब ये फिर से ठीक ठाक होने वाले हैं। सो आई एम सो हैप्पी पत्ता देख के। तो अभी देखिए, मेरा जो बुशी प्लांट है हम उधर पानी दे रहे थे। Today I'm taking off from my gym class, or this is my gym outfit for today. तो आज हम घर पे फ्री हैंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें शोल्डर का पोर्शन, नेक का पोर्शन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है और हैंड का जितना भी पीछे मूवमेंट करते हैं तो मतलब वाइड मूवमेंट करने से पूरा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाता है। अभी कुछ ही देर बाद हम स्टार्ट करेंगे, HIIT बोला जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे जंपिंग जैक से स्टार्ट किए, तो थोड़ा सा हम फ्री हैंड एक्सरसाइज करेंगे, उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग भी करना है क्योंकि आज मेरे बॉडी मसल को थोड़ा सा रेस्ट देना है
फिर हम कल जिम अटेंड करेंगे। तो इधर देखिए जंपिंग जैक हम 20 टाइम्स किए विद इन वन, मतलब विदाउट एनी रेस्ट। जो ब्रीथ होता है एक ही टाइम पे 20 टाइम्स, आप 20 से 30 या 40 टाइम्स भी कर सकते हो। और अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, फिर HIIT पकड़ लेंगे। इससे क्या होता है, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, मसल का जो जॉइंट है वो भी एकदम से, मतलब बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, तो जॉइंट पेन कम हो जाता है। और ये अपर बॉडी का जो क्रॉस मूवमेंट है, इससे जो अपर बेली का पोर्शन है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आता है, अपर बेली लोअर बेली दोनों ही पोर्शन में इफेक्ट आता है। और अगर आपका बैक में कोई पेन है तो उससे भी आप रिलीफ मिल सकता है। इसमें आपको नी का एरिया थोड़ा सा स्ट्रेट रखना है। अभी देखिए हाई नी जंप जिसको बोला जाता है वही हम कर रहे थे, करते करते मेरा हेयर ओपन अप हो गया, फिर से हम स्टार्ट किए। ये आप लोग जितना भी स्पीड में हो सके कर सको तो बहुत ही बढ़िया है। एक ही दम पे अगर 40 मोड ले 60 तक काउंट कर सको तो बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट देता है। तो ये देखिए माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ये सब HIIT का पार्ट होता है। तो माउंटेन क्लाइंबिंग भी जितना हो सके आप बहुत ही स्पीड से करने का कोशिश करो। फर्स्ट 2-3 डेज नहीं होने वाला है, लेकिन हर रोज के कोशिश से धीरे धीरे हो जाएगा। अभी देखिए ये हम चाइल्ड पोज में आ गए, थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि नी का पोजीशन जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। और ये हम स्टार्ट किए लोअर एब्डोमेन वाला एक्सरसाइज, तो लोअर पार्ट को आगे लाना है फिर पीछे, और इसको हम टच नहीं करने वाले। एग्जैक्ट जो होता है हैंड हम पीछे दे के रखे हैं, क्योंकि हम अभी हैंड को साइड में नहीं ले सकते, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से मेरा हैंड साइड में जाएगा। तो ये एब्डोमेन का है, ABS का जो एक्सरसाइज बोला जाता है। देखिए हमारे घर के सामने सब आर्मी लोग खड़े हैं जो इंडिया को बचाते हैं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, और बेटे को देखिए वो अपना ब्रेड में जो पीनट बटर होता है वो स्प्रेड करके लगा रहे हैं। और साथ ही साथ आज हम अर्ली मॉर्निंग कुछ नहीं लिए, गर्मी का मौसम है, मुझे खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं रहता है। तो मम्मा बेटे मिलके हम बस ऐसे ही कॉफ़ी लिए थे, क्योंकि कॉफ़ी से मुझे एनर्जी मिल जाता है। और बेटा 4 पीसेस जो ब्रेड है पीनट बटर के साथ ले रहा था। मुझे कैलोरी, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पोर्शन कम ही लेना है अकॉर्डिंग टू माय बॉडी शेप वाइज, और मेरे बेटे को जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा लेना है। तो उस हिसाब से मम्मा बेटा खाना अभी स्टार्ट कर दिए ये वाला गर्मी के मौसम में। आप लोग क्या करते हो ज़रूर कमेंट करके बताइए, अगर बॉडी शेप हिसाब से क्या खाना चाहिए वो आप लोगों को जानना है, वो भी आप लोग पूछ सकते हो, तो हम आंसर ज़रूर देंगे। और आफ्टर टेकिंग द बाथ मेरा फेस वॉश बाकी रह गया था, वही हम कर रहे हैं। ये वाला फेस वॉश से, ये है वाओ का विटामिन सी वाला फेस वॉश, जिसमें आपका ये वाला जो नोडल है दिया रहता है। इससे क्या होता है, इसमें सिलिकॉन जो स्क्रब टाइप ऑफ ब्रश है वो लगा होता है। तो ये देखिए विटामिन सी लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है एकदम से, मतलब सॉफ्ट एक जैसा इफ़ेक्ट देता है, और जो स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। हम मतलब आफ्टर टेकिंग द बाथ आई यूज़ टू वॉश माय फेस फ्रॉम आउटसाइड एरिया, क्योंकि बाथिंग के टाइम हम फेस वॉश उस टाइम नहीं करते, तो बस वही ले रहे थे। वाओ का अभी चल रहा है, इसके बाद हम कौन सा वाला फेस वॉश यूज़ करने वाले हैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये वाओ का विटामिन सी वाला फेस वॉश तो मुझे जच गया। तो आप लोग भी अगर यूज़ करते हो तो ज़रूर इसका रिव्यू देना, हम बहुत दिन से इसका यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग वैसे क्या करते हो, नहाने के टाइम फेस वॉश कर लेते हो या बाद में, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो एज़ यूजुअल मेरा जो रहता है ये वैसलिन ग्लूटा हुआ का नाइसरामाइड वाला, और इसके साथ साथ हम ले रहे हैं लैक्मी का AHA जो आता है अल्फा हाइड्रो बोल के कुछ होता है फुल फॉर्म, अभी याद नहीं आ रहा है।
तो वही हम थोड़ा सा ले रहे थे, और इसके साथ साथ हम लिप बम लगा लेंगे। तो ये अच्छा से मसाज देना पड़ता है, और फिंगर मसाज मेरे ख्याल से इनफ फॉर मी। बहुत सारे ऐसे मसाज के लिए ऐसे बहुत कुछ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आई एम स्टिक विथ माय फिंगर। तो बाहर का देखिए कितना धूप खिल के आया है। नाउ दिस इज़ द 10:00 इन द मॉर्निंग। अभी देखिए रोड देखिए कितना धूप है, कितना गर्मी है, और अभी हम लिप बम लगा रहे हैं क्योंकि गर्मी का सीज़न हो, ह्यूमिड का सीज़न हो, मॉइस्चराइज़र देना, सीरम लगाना और लिप बम लगाना तो मस्ट है। और इधर देखिए हम पेड़ से मतलब वाइट फ्लावर ले रहे हैं जो आई यूज़ टू पुट इन फ्रंट ऑफ माय गॉड। तो इसमें पानी देके, मिट्टी के बर्तन पे पानी देके ये आप रख देते हो तो बहुत दिन ऐसे ताज़ा ही रहता है। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग फॉर मार्केटिंग। कैसा लग रहा है? आई एम जस्ट कीपिंग इनसाइड दैट। तो इसके साथ हम ये वाला रेड कलर का ये वाला बैग ले लेंगे। सो इसके साथ हम रेड कलर का ये वाला बैग ले लेंगे। टू पीसेस विद इन 3/4 साइज गिव्स यू अ टॉलर लुक।
वैसे कोल्ड कॉफ़ी और चॉकलेट शेक बाहर में 200 to 400 में मिल जाता है, लेकिन वही पैसा हम थोड़ा सा बचत किए, घर में कोल्ड कॉफ़ी बनाए और अपना टेस्ट के हिसाब से बनाए, तो इट्स अमेजिंग। दिस इज़ वन ऑफ द गुड हैबिट एट लास्ट। तो यही मेरा आज का था 16 और 17 तक गुड हैबिट आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आप लोग भी अपना गुड हैबिट का बताइएगा, और अगर मेरा ये सब हैबिट आप लोगों को अच्छा लगे, गुड लगे, तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे। वैसे मेरा कॉफ़ी थोड़ा सा गर्म था तो उसमें और भी आइस क्यूब डाल दिए, और हम लोग बहुत मज़े से कॉफ़ी का ले रहे थे इवनिंग में मम्मा बेटा मिलके। और नाइट का डिनर हम लोग कुछ नहीं किए क्योंकि कॉफ़ी में मिल्क रहता है, मिल्क हर किसी चीज़ का फुलफिलमेंट होता ही है। तो फॉर दैट रीज़न वी आर गोइंग टू चीयर्स ईच अदर एंड वी आर एंजॉयिंग दिस कॉफ़ी फॉर टुडे। एंड फिर मिलेंगे आप लोगों से, और मेरा लास्ट का ऑल्ट्रो स्किप मत कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, देखते हुए जाइएगा। वैसे गर्मी के सीज़न है तो जितना भी हो सके लिक्विड इंटेक करना चाहिए, और एक्सरसाइज तो हर रोज करना चाहिए, वो कोई भी मतलब स्टाइल में हो। फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए वाला व्लॉग में, नए नए चीज से, और रहिए मेरे चैनल पे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही गर्मी है, टेक केयर योरसेल्फ, हैव मोर ड्रिंकिंग वाटर, एंड जितना भी हो सके जूस, फ्रूट्स, वाटर, इन सब के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल के साथ भी जुड़े रहिए। तो चलिए, लव यू ऑल, बाय।